नमस्कार मेरा नाम सुमित सिंह मेहता हजुर हाँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 57। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी तक हमने दो ऑफ कंजर्वेशन डिस्कस किया था कौन सा था कहता था अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरोन लीनियर मूवमेंटम ऑफ दैट सिस्टमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तब उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा या बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा इसी को हमने क्या बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला था उसी तरीके से हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है या बोल सकते हैं होती है। अगर मैं बात करूं सिर्फ मैकेनिक्स की तो मैकेनिकल एनर्जी का जो श्रम होता है हमेशा वो कॉन्स्टेंट होता है कहने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है तब उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा हां काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है लेकिन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा और इसको हमने क्या बोला था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं क्या देखूं पूरे यूनिवर्स को लाके देखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कंजर्व होती है और इसी को हमने क्या बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला था और उसी श्रेणी में जो दूसरा तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो कौन सा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब ये क्या कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड सिस्टम है और उस पर लगने वाला नेट टॉर्क है ध्यान देना बात हो क्या बोल रहा हूं टॉर्क आइसोलेटेड सिस्टम और उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क अगर जीरो हो तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा या बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ये जो मैंने मुंह से बोला इसी को मैंने यहां पर

सिस्टम देन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम कैन बी गिवन वाइट हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्मने पढ़ाया ना न्यूटन का सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म तो हम क्या जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट नेट टॉर्क एनी एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम विल बी इक्वल टू क्या होता है डी एल डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है जहां पर एल क्या है एंगलोमोमेंटम है लेकिन एक्सटर्नल होगा, होगा? भी, भी क्या हो जाएगा शामिल हो जाएगा ओके तो नेट ऑर्क विल बीवल टू डी एल डिड बाई डी टी ये क्या है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ है दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म अगर मैं ये बोलू इफ दिस नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो अगर जो नेट टॉर्क है ये क्या है जीरो है देन इसका मतलब क्या होगा दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो जीरो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा जीरो होगा तो दिस विल इक्वल टू जीरो अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या आया डी एल इज इक्वल टू जीरो चेंज इन दिस एंग्लो मोमेंटम इज जीरो अगर चेंज इन एंग्लो मोमेंटम जीरो है इसका मतलब क्या हुआ

चाहे कुछ भी चेंज हो जाए इसके अंदर ये मोमेंटम मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा ये क्या है? और, को लिखने का एक और तरीका है आपको ओके ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी मान लिया मेरे पास क्या है फोर रिजिड बॉडी ऐसे बना के चलोगे ऐसे एरो बना के चलो फोर रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी मान लिया मेरे पास यहां पर क्या है इस तरीके से एक ये रिजिड बॉडी है दिख रही है आपको और ये रिजिड बॉडी है वो जेड एक्सेस के अलॉन्ग क्या कर रही है रोटेट कर रही है दिस इज माई एक्स एक्सेस दिस इज माई वाई एक्सेस दिस इज माई जेड एक्सेस और इस तरीके से कुछ एंगुलर वेलोसिटी

ही हमने डिस्कस कर रखा है फॉर ए रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा किसका प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड का प्रोडक्ट होता है तो इसका मतलब दिस एल आई मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ठीक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल आई विल बी इक्वल टू दिस आई आई और कितना आ जाएगा ओमेगा आई आ जाएगा क्लियर है बात तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी इन इनिशियल स्टेज फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा और क्या हुआ इसके मास में क्या आया चेंज आया बोल सकते मास में चेंज न बोल के मास के अरेंजमेंट में चेंज आया और हम सब जानते हैं जैसे ही मास के अरेंजमेंट में चेंज आएगा तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी आई यानी क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा चेंज होगा मास मास के अरेंजमेंट में चेंज आ सकता है चेंज आने से क्या हुआ इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया ठीक है बॉडी वही है सिर्फ मास का अरेंजमेंट क्या हुआ चेंज हुआ जो नेट मास है वो क्या है कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ मास क्या हुआ

I F हो गया. Of inertia about Z is equal to I F. अब जैसे देखो चेंज होगा ना, बोल सकते हैं होगा. होगा, तो एक चीज़ ध्यान सुनना बात को. अगर of inertia change क्या ओमेगा चेंज होगा नहीं होगा क्वेश्चन आपके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो क्या ओमेगा, यानी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है पे एंगुलर स्पीड है वो चेंज होगी या फिर नहीं होगी देखो ध्यान सुनो

अब जैसे ही क्या हुआ इसके मास के अरेंजमेंट में चेंज हुआ आई एफ चेंज हो गया माना आई एफ फॉर 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 इंस्टेंट वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो मूवमेंट ऑफिया है जो आई एफ है वो आई आई से क्या है ज्यादा है यानी जो मूवमेंट ऑफ इनेशिया वो क्या कर गया इंक्रीज कर गया तो क्या होगा क्या अब यहां पर अगर मैं क्या बोलूं इसके ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया क्या ये अब भी यहां पर आंसर दो आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का नहीं आएगा दो, आंसर कुछ और आएगा लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? Of, of of या करूं, आंसर कितना आना चाहिए दो आना चाहिए जैसे इस केस में आया तो ऐसा होने के लिए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ेगा चेंज होना पड़ेगा मान लिया यहां पर जो है पे एंगुलर स्पीड है वो कितनी होगी आई ओमेगा होगी और इस केस में जो मेरे पास एल एफ होगा वो कितना हो जाएगा आई एफ इंटू ओमेगा एफ हो जाएगा नाउ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एलोमेंटम दीज टू क्वांटिटी विल बी इक्वल बिकॉज यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वट वी कैन राइट वी कैन राइट तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास देखो अभी अब बढ़ेगा या घटेगा अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक कि किस किस के से से साथ ओमेगा रिलेट होगा अभी हम डिस्कस करेंगे ओके तो ये तो ये हमने ऐसे है और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं इसी को मैं आई इंटू उमेगा दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा लिख सकता हूं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा अब जैसे ही कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा यहां पर प्रोपोर्शनल साइन आएगा तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड दिस रिलेशन शोस दैट इफ i इंक्रीज देन ओमेगा विल डिक्रीज इफ i डिक्रीज देन ओमेगा विल इंक्रीज आई बात बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है या बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करो किसकी इस टाइप की रिजिड बॉडी की अगर उसका मोमेंट ऑफ तो इनेशिया क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है और वो कैसा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है नेट और जीरो है देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसका ओमेगा क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा कब जब आई क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है अगर वहीं आई क्या करे डिक्रीज करे तो ओमेगा क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा आई बस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो यहां पर देखो आप अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो मेरे पास आई एफ है जो जो आई, आई 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 एफ एफ है है दिस इज ग्रेटर देन इसका मतलब जो मेरे पास ओमेगा होगा वो क्या होगा लेस देन होगा ओमेगा आई से या फिर ग्रेटर देन होगा क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा यानी दिस विल बी लेस देन ओमेगा आई ऐसा हो जाएगा ठीक है यानी अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा तो इसके एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी अगर मोमेंट ऑफ घटा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी तो दिस रिजल्ट कम और और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है विच फ्रॉम रोटेशन स्पीड, ओके? तो उसके लिए मुझे कुछ जगह चाहिए तो यहाँ मिटा दू मैं इसको दें ठीक है स्टैंड में लिख दिया होगा इसको मिटा दें फिर आगे बढ़ते हैं

अगर मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बताओ तो मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंटम क्या होता है दिस आई विल बी इक्वल टू ये होता है हमारे पास कितना आर क्रॉस सॉरी 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 मोमेंटम एल विल बी इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी के बराबर होता है

अगर आप यहां से भी देखो थोड़ा तो बहुत समझ सकते हो कि अगर मैं ये बोलू इफ एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता होता है है हमारा अगर सिस्टम कैसा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है देन विल बी आइसोलेटेडेंट अगर एल कॉन्स्टेंट है इसका मतलब एम आर वी भी क्या होगा मेरा constant होगा नहीं होगा आंसर आज ही होगा तो दिस विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट अगर ये कॉन्स्टेंट है इसका मतलब मास इज कॉन्स्टेंट मास कॉन्स्टेंट है इसका दिस इस मास इज तो आर इन टू वी क्या रहेगा हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं रहेगा ओके आंसर आज ही रहेगा अगर आर इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो दिस शो दैट कि दिस आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वी जो आर है वो वी के कैसे है इनवर्सली प्रपोर्सनल है अगर उसकी लीनियर बलोसिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी ध्यान सुनना बात को अब अगर लीनियर बलोसिटी इंक्रीज करेगी तब उसकी रेडियस डिक्रीज कर जाएगी अगर लीनियर बलोसिटी डिक्रीज करेगी तब रेडियस क्या कर जाएगी

देखो फिर देखो एक चीज हमने पढ़ा हुआ है सिंस वी नो दैट वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा होता है फॉर ए सर्कुलर मोशन ओके वी इक्वल टू आर ओमेगा तो इस इक्वेशन में यहां पर जहां पर वी है वहां क्या रख देंगे हम आर ओमेगा रख दो तो यहां से मेरे पास एम आर आर ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो एम दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू

कम होगी ओमेगा क्या करेगा हमारा इंक्रीज करेगा और जैसे ही क्या होगा एक्सेस ऑफ रोटेशनल डिस्टेंस यानी डिक्रीज करेगा तो हमारा ओमेगा क्या कर जाएगा सॉरी आर अगर इंक्रीज करेगा ओमेगा क्या कर जाएगा हमारा डिक्रीज कर जाएगा क्लियर है बात तो आर रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नाउ अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में करते हो लेकिन आपको वो समझ नहीं आती कि होते कैसे हैं देखो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको बहुत जगह मिल जाएगा कुछ ऐसा होता है मान लिया हमारे पास क्या है कोई एक पर्सन है इस तरीके से कोई एक इंसान है यूं करके और वो किस पर खड़ा है एक इस तरीके से व्हील पर खड़ा है जो ऐसे घूम सकता है ठीक है एक व्हील पर खड़ा है जो ऐसे घूम सकता है होता है ना कुमार का वो चक्का होता है जिस पर वो क्या बनाता है घड़ा बनाता है जिस पर के तो उसी उसी चीज के एक मैकेनिज्म पर खड़ा है एक व्हील पर वो क्या है खड़ा है जो व्हील इस तरीके से या फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है रोटेट कर सकता है लेकिन इनिशियल केस में वो क्या है, है हमारा इस तरीके से कहीं नहीं घूम रहा है इस तरीके से स्टिल है करके खड़ा हुआ है ओके अब मैंने क्या किया इसके हाथों में दो डम्बल डंबल दे दे। हाँ हाँ इस तरीके से इसको दो डम्बल दे दिए अब मैंने इसको क्या कराया ऐसे रोटेट कराया ठीक है अभी क्या कर रहा है इस तरीके से रोटेट कर रहा है अभी तो पूरा एक चक्कर नहीं लगा सकता थोड़ा आगे आने पड़ेगा उसके लिए लेकिन फिर दिखेगा नहीं आपको तो क्या कर रहा है इस तरीके से अब वो एक्सेस रोटेशन कौन सी है इसकी ये है इस एक्सेस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है ठीक है इस तरीके से रोटेट कर रहा है। मान लिया ये डिस्टेंस वो कितनी है यहां से यहां तक तो ये मेरा हाथ है अस से दिस इज सेवेंटी सेंटीमीटर ये कितनी है मेरे पास 70 सेंटीमीटर यहां को और 70 सेंटीमीटर यहां को है ओके ऐसी कुछ सिचुएशन है ऐसे घूम है

और इस केस में उसने अपने हाथों में कैसा कर दिया ऐसे कर दिया अब डंबल उसने ऐसे पकड़े हुए हैं ये डंबल यहां पर आ गए डंबल ये हैं और ये क्या है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ऐसे ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है नाउ अब यहां पर क्या चेंज आया क्या उसके मास में कोई चेंज आया कोई चेंज नहीं आया चेंज सिर्फ एक चीज में आया वो किस में आया कि जो मास थे जो हाथ में उसके मास थे उसके मास की जो उसके खड़ा हो गया डिस्टेंस इज अप्रॉक्स इक्वल टू टेन सेंटीमीटर कितनी है, ये? 10 के बराबर है। इस केस में जो डिस्टेंस है वो आर क्या करेगी डिक्रीज करेगी नहीं करेगी आंसर करेगी करेगी क्या कर रही है आर डिक्रीज कर गया और नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं ये यह चल रहा हूं कि सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम है ठीक है नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ आर डिक्रीज देन ओमेगा विल डिक्रीज इंक्रीज तब ओमेगा क्या करेगा इसका इंक्रीज करेगा यानी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी यानी जब वो अगर ऐसे घूम रहा है और माना उसकी जो एंगुलर स्पीड है दो रेडियन पर सेकंड है और जैसे ये करेगा उसकी जो स्पीड है दो एंगुलर स्पीड है वो क्या कर जाएगी दो रेडियन पर सेकंड से इंक्रीज कर जाएगी अब वो कितनी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन पहले उमेगा क्या था ठीक है

वहां पर मैं दे दूंगा लेकिन होता है क्या ना कॉपरेटिव इशू आ जाता है मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि ना आए अगर आएगा तो फिर मैं हटा दूंगा अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है मैं खुद करके भी दिखा सकता लेकिन है क्या ना मेरे पास वो है नहीं ऐसा ऐसा करने के लिए ओके कितना बात ना अब इसे का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे एक बार मैं इसे बिटाऊँ ऐसे मिटाता हूँ फिर एक और एग्जाम्पल देखो जो आप अपने मन से भी कर सकते हो जो आपने देखा भी है मतलब खुद से कर सकते हो उसकी आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है देखो मान लिया एक इंसान है इस तरीके से अगेन सेम इंसान और सेम तरीके से एक व्हील पर खड़ा है यह है सेम तरीके से एक व्हील पर इस तरीके से खड़ा है और एक व्हील ऐसे घूम सकता है ना इस केस में क्या किया मैंने इसके हाथों में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी दे दी ऐसे इसने कुल्हाड़ी को पकड़ा ये क्या है एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है या बोल सकते हैं हथौड़ा है का कुछ भी बोल दो ऐसे करे खड़ा है ऐसा करे खड़ा है करके करके इंसान ऐसे खड़ा है ओके खड़ा है कोई दिक्कत नहीं है एंग्लो मोमेंटम कितना इनिशियल इनिशियल जीरो जीरो है तो इसका मोमेंटम एल विल बी इक्वल टू क्यों घूम ही नहीं रहा है ऐसे खड़ा है और घूम सकता है इस के वर्ड घूम सकता है जो सर सर के ऊपर से ऊपर जा रही है लेकिन घूम नहीं रहा है ऐसे खड़ा है वो ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं इसे घुमा बोल रहा हूं अभी क्या करेगा इसको ऐसे घुमाएगा मैं ये कह रहा हूं अब इसे नेक्स्ट केस में क्या किया नेक्स्ट केस में इस इंसान ने जो इसके ऊपर खड़ा है इस पहिए के ऊपर यूं करके इससे मैंने क्या बोला जो ये हथोड़ा बोल दो या फिर कुल्हाड़ी बोल दो जो कुछ भी इसके हाथ में है इसको इस डायरेक्शन में ऐसे मैंने इसको घुमा बोला कैसे ये से पकड़ा हुआ है फिर ऐसे घुमाया इसने इसको क्या हुआ ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे घुमाया अब जैसे ही ऐसे घुमाएगा अब कैसा मोशन कर रहा है रोटेशनल मोशन कर रहा है ऑबियस की बात है और रोटेशनल मोशन करते इसके बाद क्या आएगा

एल के बराबर हो गया नहीं हो गया वेक्टर के बराबर हो गया क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन हमारा सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड सिस्टम है इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए अब बताओ अब वेक्टर को ध्यान में रखो और बताओ यहां पर एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होगा यहां पर एंगुलर मोमेंटम जीरो तब होगा जब इतना ही एंगुलर मोमेंटम यहां पर अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाए प्रोड्यूस हो जाए अपने आप होना चाहिए उसने अपने आप क्या हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए अब वो कैसे होगा देखो नेचर की बात देखो ना कितनी खूबसूरती से करेगा उसने अपने हथोड़े को या फिर कुल्हाड़ी को ऐसे घुमाया और उसी समय जैसे उसने इस कुल्हाड़ी को ऐसे घुमाया इंसान खुद ऐसे घूमेगा जो इंसान है ना ये खुद इस डायरेक्शन में घूमेगा इधर की ओर

तो आप पाओगे आपकी बॉडी आपकी बॉडी अपने आप ऐसे रोटेट करगी अगर ये एंटी क्लॉक बाय रोटेट कर रही है आपका हाथ एंटी क्लॉक बाय रोटेट कर रहा है तो आपकी बॉडी अपने आप क्लॉक वाइज क्या कर जाएगी रोटेट कर जाएगी ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो होता है ठीक है ना इसका यूज बहुत सारे एथलीट भी करते हैं जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं आपने देखा होगा जैसे छलांगे मारते हैं यूं करके ठीक है ऐसे ऊपर कई राउंड गोल गोल करके घूम जाते हैं ठीक है आपने देखा है और कभी कभी कोई ड्राइव करता है पानी में तैरने के लिए तो पानी में तैरने से पहले जब वो कूद रहा होता है तब ऐसे वो लंबा होता है और जब मिड में होता है मिड ईयर में होता है सॉरी जब होता है तो क्या करता है वो अपने हाथ और पैर को सिकोड़ लेता है और जैसे ही सिकोड़ेगा तो क्या होगा आर आर डिक्रीज डिक्रीज करेगा करेगा करने करने से ओमेगा ओमेगा इंक्रीज इंक्रीज का मतलब वो तेज तेज क्या करता है इस तरीके से रोटेट करता है और जैसे ही वो पानी में ड्राइव करने वाला होता है उसी क्षण वो अपने हाथ पैर को फिर से फैला देता है और फिर से फैलाने से क्या होगा आर इंक्रीज करेगा वो ओमेगा क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है तो जो खिलाड़ी होते हैं वो भी क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट का

तो क्या करने पर उसका ओमेगा अपने आप इंक्रीज कर जाएगा ओमेगा इंक्रीज करेगा तो तो स्विंग बहुत तेज करेगा, स्विंग बहुत 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 तेज तेज करेगा करेगा तो बॉल उसमें लग के दूर तक जाने की संभावना है ठीक है तो इस तरीके से गेम में भी हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बार बार क्या होता रहता है यूज होता होता रहता है ठीक है क्लियर हुई बात नाउ अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसे हम क्या बोलते हैं

Of my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops.